मैं सुकल पाटिल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। मीन्स यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या है, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन के अंदर ये 1/4 और -1, ये क्या है, 1/4 है, सम ऑफ जीरोस है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप बोलोगे सर एक बार याद करवा दो। देखो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, इसके हिसाब से मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो ये इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरो, सॉरी सम ऑफ जीरोज। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और दूसरा मैंने ये भी बोला था आप ये लर्न करो नहीं तो ये लर्न करो, दोनों एक ही है। तो मीन्स यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज बोल सकते हैं, वो हमको याद रखना है क्योंकि इसके अंदर काम में आएगा। अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये 1/4 है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज, एंड -1 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4 और ये क्या है, -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -1। अब यहाँ पे ये है कि सम ऑफ जीरो, मैंने सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या बताया था, तो जीरोज क्या हो, सम ऑफ जीरो, जीरो क्या है, अल्फा बीटा है। सम ऑफ जीरो मीन्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 ऐसा होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको याद हो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमने कोई फॉर्मूला लिखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए होता है, ये आपको मालूम है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, -b अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। सेम थिंग ये अल्फा इंटू बीटा तो क्या था, c अपॉन ए था इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखो -b अपॉन ए से 1/4 है, c अपॉन ए इज इक्वल टू -1 है। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं होता है तो इसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1। अब यहाँ पे करना क्या है कि नीचे a है, यहाँ पे भी a है, वो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो हमको इसका बेस और इसका बेस कैसे भी करके इक्वल करना है। आप बोलोगे क्यों करना है, तो वो आगे सम आगे जाएगा तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 है तो मुझे यहाँ पे भी 4 करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा, तो -b अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4 और c अपॉन ए इज इक्वल टू -1 इंटू 4 -4 अपॉन 1 इंटू 4 4 10। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, ए इज इक्वल टू, देखो ए इज इक्वल टू 4 मिल गया, ए इज इक्वल टू 4 मिल गया, फिर बी की वैल्यू कुछ मिली और सी की वैल्यू भी कुछ मिल गई, तो हम इसको कंपेयर करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो वैल्यू पुट कर ले, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमको क्या मिला, ए इज इक्वल टू 4 मिला, क्योंकि यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू 4 है। -b इज इक्वल टू 1 मिला, ये -1 इज इक्वल टू 1 है, तो -1 इज इक्वल टू 1 लिख दिया, और c इज इक्वल टू -4 है। तो आपको देखना है अब क्या करना है, -b इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होता है, b इज इक्वल टू -1 ही होता है। तो a इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। तो -b इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होता है, b इज इक्वल टू -1 ही होता है। ओके, तो मैंने a b c फाइंड कर लिया। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है। अब ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पे ए बी सी की जगह पे रख देते हैं, तो क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की जगह क्या है, 4 है, तो 4x², फिर बी की क्या है, -1 है, तो -1x।
फिर c की क्या वैल्यू है, माइनस फोर, तो माइनस फोर। अच्छी तरह से को अच्छी तरह से लिख देते हैं, पी ऑफ एक्स फोर एक्स स्क्वेयर, माइनस का माइनस, अब वन एक्स की जगह तो हम एक्स ही लिखते हैं, वन नहीं लिखते हैं, एक्स माइनस फोर। तो ये हमारा जो इक्वेशन हमको मिला, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, तो पहला है हमारा सम ऑफ जीरोज एंड दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो दोनों की हेल्प से हमने इक्वेशन, हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फाइंड किया। सेम वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर टू भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, रूट टू और वन बाय थ्री। तो ये पहला वाला क्या है, सम ऑफ जीरोस है, तो लेट अस वी राइट हियर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू रूट टू, और दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू वन बाय थ्री। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट टू, और दूसरा क्या है, यहाँ पे कॉमा लिख रहा हूँ तो आपको मालूम पड़े, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वन बाय थ्री। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमको याद है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू रूट टू, कुछ भी नहीं है नीचे इसलिए यहाँ पे वन लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री। ओके, अब देखो आपको चीज़ यहाँ पे, ए इज इक्वल टू वन है, ए इज इक्वल टू थ्री है, तो हमको यहाँ पे कंपलसरी नीचे सेम होना चाहिए, तो हमको यहाँ पे थ्री है तो हमको कैसे भी करके वन की जगह पे हम थ्री कर दें, तो क्या करना पड़ेगा, इनटू बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा देखते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू थ्री इंटू रूट टू, तो क्या होता है, थ्री रूट टू अपॉन थ्री, वन इंटू थ्री तो थ्री ही रहता है, कॉमा सी अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री। देखो ए इज इक्वल टू थ्री हो गया, ऐसे खास वो ध्यान रखना है हमको कि ए इज इक्वल टू थ्री और ए इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पे वैल्यू कैसे भी इक्वल आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही हो तो हमको ऐसे मल्टीप्लाई कर देने का, तो आपको वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, थ्री, बी माइनस बी इज इक्वल टू कितना मिला, थ्री रूट टू। देखो ए इज इक्वल टू थ्री माइनस बी इज इक्वल टू थ्री रूट टू, फिर C इज इक्वल टू वन। ओके सर, माइनस बी इज इक्वल टू थ्री रूट टू थोड़ी होता है, तो हम इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं, B इज इक्वल टू माइनस थ्री रूट टू एंड C इज इक्वल टू वन। ओके, ये स्टेप मैं क्यों ज़्यादा लिख रहा हूँ, ये स्टेप मैं ज़्यादा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा अब नहीं लिखूंगा। ओके, अब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसके जैसा है, अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, थ्री है, थ्री एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, माइनस है, माइनस थ्री रूट टू, और एक्स तो एज इट इज रहेगा, प्लस सी का वैल्यू वन है, प्लस सी का वैल्यू वन है। ओके, तो ये हमारा आंसर मिल गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दूसरे चार ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं टू टू के पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा, इसलिए तीन वीडियो बन जाएंगे क्वेश्चन टू के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।